नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनेस्ट रिव्यू के पॉडकास्ट में। आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक स्वीडिश कॉमेडी फिल्म है। जी हाँ, सही सुना आपने, स्वीडिश कॉमेडी फिल्म ट्रबल, जो हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस फिल्म की ईमानदारी से रिव्यू करते हैं। दोस्तों, जब मैंने फिल्म ट्रबल का ट्रेलर देखा तो मेरी उम्मीद बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन जैसी ये फिल्म शुरू हुई मुझे धीरे धीरे इसकी सादगी और अनोखेपन ने अपनी तरफ खींच लिया। दोस्तों, ट्रबल की कहानी एक तलाकशुदा इंजीनियर कॉनी यानी फिलिप बर्ग के इर्द गिर्द घूमती है, जो पायलट बनने का सपना देखता है, लेकिन फिलहाल वो एक सेल्समैन की नौकरी कर रहा है ताकि वो अपनी बेटी को घुड़सवारी की क्लासेस दिलवा सके। और उसके एक्स वाइफ का पति, जो कि एक पायलट है और अच्छी खासी लाइफस्टाइल है, वो बहुत पैसे कमाता है। कॉनी जब उससे मिलता है तो उसे लगता है कि वो भी और पैसे कमाए, यहां तक कि वो मैनेजर से कहकर देर रात तक ग्राहकों के घर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण डिलीवरी करने और इंस्टॉल करने तक का काम कर रहा होता है। और एक ऐसी रात जब एक ग्राहक के घर डिलीवरी करते वक्त कॉनी एक ड्रग बस्ट के चक्कर में फंस जाता है और वो गलती से एक हत्या के मामले में फंस जाता है और उसे जेल भेज दिया जाता है। यहीं से फिल्म की असली कहानी शुरू होती है। कॉनी को ये नहीं पता कि ये सब किसने किया। उसका वकील भी उसे मदद करने में असफल साबित होता है। बस कॉनी को एक बात कपता है, वो मरता हुआ ग्राहक उसे फोन के लिए कह रहा था जो अब गायब है। अब कॉनी क्या करे? दोस्तों, यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है जब जेल में कॉनी को एक गुप्त सुरंग का पता लगता है और एक कैदी उसे पायलट समझते हैं और उसे अपने साथी के साथ भागने के प्लान में शामिल कर लेते हैं। कॉनी इन घटनाओं के बीच फंसा हुआ है, उसे अपने निर्दोष साबित होने का सबूत इकट्ठा करना है और अपनी बेटी को फिर से मिलने की कोशिश करना है। यहीं से फिल्म और भी इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग हो जाती है, जो एक बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। इस फिल्म में उसके पीछे एक पुलिस वाली पड़ जाती है और एक तरफ एक दूसरी पुलिस वाली उसकी मदद करने में लग जाती है। तो क्या कोनी सफल होगा? ये सब देखिए आप इस स्वीडिश फिल्म में, ट्रबल में। अगर हम इस फिल्म की स्क्रिप्ट की बात करें तो ये काफी मजेदार और हल्की फुल्की है। कई सीन्स ऐसे हैं जो आपको हंसा ले जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो गंभीर नहीं होती। फिल्म में एक कॉमेडी का अंदाज है, लेकिन ये आपको जबरदस्ती हंसाने की कोशिश नहीं करती। ये एक ड्राई सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ आती है, जो कि आजकल के ओवर द टॉप कॉमेडी से अलग है। अब अगर मैं अभिनय की बात करूं तो फिलिप बर्ग ने कॉनी का किरदार बेहद ही अच्छे तरीके से निभाया। आप फिल्म में उनकी सहानुभूति महसूस करते हैं और ये इस फिल्म का बड़ा प्लस पॉइंट है। कॉनी एक ऐसा किरदार है जिसे देखकर आप सोचते हैं, यार ये आदमी कितनी मुश्किलों से गुजर रहा है और फिर भी मुस्कुरा रहा है, कमाल है यार। अब कुछ कमियों की बात करते हैं। फिल्म की स्टोरी लाइन में कई जगह पर प्लॉट होल्स हैं। कई बार ऐसा लगता है कि चीजें बहुत आसानी से हो रही, खासकर जब कॉनी जेल से बाहर निकलने के लिए एक प्लान बनाता है, लेकिन इसकी कसर शानदार एक्टिंग और मजेदार डायलॉग्स पूरी कर देते हैं। दोस्तों, हाँ, इसमें बड़े स्टार कास्ट या बड़े बजट वाले विजुअल्स नहीं मिलेंगे, लेकिन इसकी खासियत इसकी सादगी और तेज गति से चलने वाली कहानी है। फिल्म ज्यादा लंबी नहीं है, ये छोटी है, लेकिन कहीं भी आपको बोर होने नहीं देती। कई बार ऐसा लगता है कि फिल्म खत्म होने वाली है, लेकिन तभी एक और ट्विस्ट आ जाता है जो और भी इसे मजेदार बना देता है। दोस्तों, अगर आप एक हल्की फुल्की क्राइम कॉमेडी देखना चाहते हैं जिसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है, तो ट्रबल आपके लिए एकदम परफेक्ट है। इसमें भले ही लॉजिकल गलतियां हैं, लेकिन इसके एंटरटेनमेंट वैल्यू इन सबको पीछे छोड़ देती है। मेरी तरफ से इस फिल्म को 4 स्टार देना चाहिए। ट्रबल नेटफ्लिक्स पर आप देखिए और हमें बताइए आपको ये फिल्म कैसी लगी। अगले एपिसोड में एक और ईमानदार रिव्यू के साथ आता हूं। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए ऑनेस्ट रिव्यू। मैं मनीष खंडेलवाल अभी आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद।